चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, मतलब समीकरण को हल करने की जो प्रतिस्थापन विधि होती है उसके बारे में सारी बातों को एक्सप्लेन हम लोग जानेंगे और प्रतिस्थापन विधि को बड़ी सिंपल तरीके से जानेंगे कि कैसे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके किसी भी समीकरण को हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन पहले ये समझिए, प्रतिस्थापन एक ऐसा विधि जिसमें एक को स्थापित करके बनाई जाए, मतलब किसी एक को क्या करना, स्थापित करना, मतलब किसी एक का मान निकाल कर दूसरे में पुट करना। स्थापित करने का मतलब क्या होता है, उसका स्थान चेंज करना, ये होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास कोई समीकरण है, यहाँ पर देखिए x plus y बराबर 14 और x minus y बराबर आपका 4 है। पहले को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा को हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। दो समीकरण आपको दिया रहेगा जब भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना हो, तो दो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, जब दो समीकरण दिया रहेगा तो पहले का समीकरण 1 और दूसरे को समीकरण 2 आपको लेकर चलना है। अब देखिए, यहां से प्रतिस्थापन विधि आप यूज करना है तो आपको लिख देना है प्रतिस्थापन विधि से, क्या लिखना है, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि समीकरण को हल करने की 3-4 विधियां होती है। एक प्रजगुणन भी होता है, एक विलोपन भी होता है, वो भी मैं बारीकी से एक एक वीडियो में आपको बताऊंगा। हालांकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रतिस्थापन के बारे में जानेंगे। देखिए, दो समीकरण है तो हमें कौन सा विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो, प्रतिस्थापन का पहला चरण होता है कि समीकरण 1 उठाकर वहां से x या y का आपको मान निकाल लेना है। ये पहला चरण होता है कि किसी, मतलब कोई भी एक समीकरण उठा लेना है, मतलब पहला समीकरण आपको उठा लेना है और उससे x या y का आप मान निकाल लीजिए। देखिए, पहला समीकरण क्या है, प्रतिस्थापन विधि से चलते हैं तो इसमें कौन सा चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या आपका, देख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 14। बता रहे समीकरण 1 उठा लेना है और समीकरण 1 उठाने के बाद वहां से या तो x का मान निकाले नहीं तो y का मान निकालिए। तो यहां से x का मान निकाल लेते, इसलिए x बराबर 14 है, प्लस y को इधर ला दें क्या आ जाएगा माइनस वाई, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3। तो ये x का मान निकल गया 14 माइनस वाई। ये पहला चरण होता है कि समीकरण 1 से चलना है, या तो x का मान निकाल लीजिए नहीं तो y का मान निकालिए। तो मैंने क्या किया, x का मान निकाल दिया। अब यहां से जो x का मान आएगा उसको समीकरण 2 में रख देना है, ठीक है, किसमें रखना है, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, देखो यही है कि समीकरण 1 से चल दिए, वहां से किसी एक पद का मान निकालिए तो x का या तो y का, तो x का मान निकाले। अब यहां से जो x का मान आएगा उसको समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान आपका निकल जाएगा। तो समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, तो समीकरण 2 क्या, पहले वो लिखिए। तो समीकरण 2 आपका है x माइनस वाई बराबर 4। यहां से देखते हैं x है, तो x का मान निकाले 14 माइनस वाई, तो x के ऊपर आप रख देंगे 14 माइनस वाई, ये x का मान होगा, ध्यान दीजिए। अब फिर घटाओ y है तो y, तो x का मान 14 माइनस वाई, फिर घटाओ y है तो y, अब बराबर 4 है तो 4। अब देखो 14 है माइनस एक वाई, माइनस एक वाई कितना हो जाएगा, माइनस टू वाई हो जाएगा, अब बराबर कितना हो गया 4। अब ध्यान दीजिए, 14 है तो 14, ये प्लस 4 को क्या करते हैं, इधर लाते हैं तो हो जाएगा माइनस 4, और ये माइनस टू वाई को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस 2y। अब ध्यान दीजिए, 14 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 10, अब बराबर 2y। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, y को छोड़कर 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में, तो 10 बटा 2 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो गया y, 2 पचे कितना होगा 10, इसलिए y का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया, ठीक है। तो ये दूसरा चरण था, पहला चरण ये था कि समीकरण 1 से चलकर किसी एक का मान निकालना है, या तो x का या तो y का, जो मान आप निकालेंगे उसको समीकरण 2 में रख देंगे तो आपको y का मान या x का मान आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। अब चलो, यहां से क्या हुआ कि आपका y का मान निकल गया 5, अब ये जो y का मान निकल गया समीकरण 3 में रख दीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, तो समीकरण 3 में किसका मान, y का मान रखने पर, ठीक है ना, आप यहां पर लिख लीजिएगा। अब देखो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है x बराबर, एक्स बराबर 14 माइनस वाई। अब देखो 14 घटाओ वाई, वाई का अपमान निकाल चुके, देख सकते हैं 5 निकाला है, तो वाई की जगह 5 रख देंगे, तो 14 में से 5 घट जाएगा, 9 आ गया। तो अतः एक्स का मान 9 और वाई का मान कितना आ गया, 5। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए क्या है, प्रतिस्थापन विधि 3 चरणों में संपन्न हो जाती है। पहला चरण की किसी एक पहला चरण यही है कि समीकरण 1 को उठाइए और वहां से या तो x का मान निकालिए या नहीं तो y का मान निकालिए। अब यहां से जो हम x और y का मान निकालेंगे उसको समीकरण 2 में रख देंगे तो किसी एक पद का मान निकल जाएगा। अब यहां से जो मान निकलेगा वो समीकरण 3 में रख देंगे, आपका x और y दोनों का मान क्लियर निकल जाएगा। ये रहा आपका पहला, मतलब ये आपका प्रतिस्थापन विधि वाला तरीका, ठीक है ना। आई होप आपको ये बेटर सभी समझ में आई होगी। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं।
अब देखिए दूसरा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि आपने देख लिया, पहला ये कि समीकरण, दो समीकरण दिया रहेगा तो उसमें क्या करना है कि समीकरण वन से आपको एक्स या वाई का मान निकाल लेना है। इसको हम लोग समीकरण वन ले लेंगे पहला को, दूसरा को समीकरण टू। तो पहला मतलब चरण ये था कि समीकरण वन से आपको चल देना है, ये पहले ही बातें थी। तो समीकरण वन से, समीकरण वन क्या है तो 3x + 4y बराबर आपका 10 है। ये क्या है तो आपका एक समीकरण वन है। अब ध्यान दीजिएगा ये समीकरण वन से या तो एक्स या वाई का आपको मान निकालना है। तो यहाँ से मान लो हम एक्स का मान निकालते हैं 3x = 10, ये प्लस 4y को इधर ला देंगे -4y आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब x का मान निकालना है तो 3 तो गुना में, ये गुना में तो इधर चलाएगा बटा में, तो इसलिए यहाँ से x का मान निकलेगा 10 - 4y आपका ये, ठीक है ना। और ये 3 जो गुना में इधर है वो चलाएगा बटा में, इसको ले लेंगे समीकरण 3, ठीक है ना। तो वही चरण है कि समीकरण वन से चलेंगे तो एक्स का मान, समीकरण वन से चलकर एक्स या वाई का मान, जरूरी नहीं कि आप एक्स का मान निकाल सकते हैं, सहूलियत है तो आप वाई का भी मान निकालेंगे, जो मान निकलेगा वो समीकरण टू में रखना है। तो यहां से एक्स का मान आपका निकल गया, ठीक है ना। अभी जो एक्स का मान निकला समीकरण टू में रख देंगे, तो समीकरण टू में एक्स का मान रखने पर, ठीक है ना, समीकरण टू में, समीकरण टू क्या पहले वो लिख देते हैं 2x - 2y = 2 है। ये क्या आपका समीकरण 2 है। अब इस साइड में जरा सा आप इस बात को समझिएगा, 2x - 2y = 2 है। अब ध्यान दीजिए या करते हैं 2 गुना क्या है, 2 गुना x है, तो x का तो आप मान निकल चुके हैं, तो x का मान वहां पर पुट कर देंगे, 2 गुना x है, 2 गुना x, तो 2 और गुना x, x का मान कितना निकला हुआ है तो 10 - 4y आप बटा 3, ये x का मान है। फिर उसके बाद क्या है -2y आप बराबर आपका 2 है। अब इस बात पर फोकस करते हैं जरा सा। यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि ये जो 2 2 देखे ना, दोनों में मिल रहा है आपका कॉमन, यहाँ से 2 2 आप कॉमन ले सकते थे, स्टार्टिंग यहाँ पर 2 2 आप कॉमन ले सकते थे, ठीक है ना। आप 2 2 कॉमन ले लीजिए, चाहे नहीं लीजिए, क्रिया करिए आपका आंसर आएगा। एक काम करते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, अच्छा रहेगा भाई, दो बाहर खींच लेंगे तो आप कहिए ना बचेगा 10 - 4y आप बटा कितना हो गया 3, आप माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ वाई बचेगा बराबर कितना होगा 2, है जो 2 है गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 10 - 4y / 3 और घटाओ वाई, इसके भी बटा में 1 छुपा है, हाई बराबर 2 है। अब देखो ये जो 2 गुना में ये कहाँ चलाएगा बटा में, ठीक है ना। ये सारी बातें क्रियाएं आपको कम से कम आनी चाहिए। 3 और 1 का लसा लेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 1 का लसा लेंगे 3 होगा, 3 का पड़ा कितना ऊपर, 3 आएगा तो एक बार 1 का ऊपर से गुना करेंगे तो वही बात रह जाएगी 10 - 4y। आप फिर घटाओ 1 का टेबल कितना ओपरेंगे 3 आएगा, तो 3 बार 3 का वाई से गुना कर देंगे 3y, तो यहाँ भिन्न का घटाव बनाना था। आई जो है 2 2 - 2 कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1। अब ध्यान दो 3 भागा में इधर कहाँ चलेगा गुना में, यहाँ देखते हैं 10 - 4y या -3y कितना हो जाए -7y आप बराबर 1, ये 3 भागा में इधर कहाँ चलाएगा गुना में, ठीक है ना। ये बातें समझ में आती है ना, 10 अब माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब क्या कर रहा हूँ मैं 10 हाई भाई 1 का 3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 को इधर लाएंगे क्योंकि प्लस 3 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3, 1 का 3 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 3, और प्लस 3 को इधर लाएंगे -3, हाई -7y को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +7y। अब देखो 10 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 7, अब बराबर कितना हो गया 7। अब ध्यान देते हैं ये 7 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 7 बटा कितना हो जाएगा 7, अब बराबर हो गया भाई ये 7 - 7 हो गया, इसलिए y का मान कितना निकल गया आपका 1 निकल गया। अब y का मान 1 निकल गया तो ये जो y का मान आएगा उसको समीकरण 3 रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिख देते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है तो समीकरण 3 है x = 10 - 4y / 3, ठीक है ना। इसमें मान पुट कर देते हैं x y का, तो 10 - 4y, y का मान 1 निकला तो 1 और बटा 3 है तो 3। अब ध्यान दो 10 - 4 x * 4 अब बटा कितना हो गया 3। अब इसका क्रिया करते हैं 10 में से 4 घटेगा 6 अब बटा कितना है 3, 3 दुना 6 तो मान कितना आ गया आपका 2। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। तो देखिए अगर सिंपल से इसका सारांश बताऊं ना मैं प्रतिस्थापन विधि का, तो इसका 3 चरण यही है कि पहले समीकरण 1 से चलना है, वहां से देखो पहले समीकरण 1 से चलना है और वहां से किसी एक पद का मान या तो x का नहीं तो y का मान निकालना है, और यहां जो x या y का मान निकालेंगे उसको समीकरण 2 में रख देंगे तो यहां से एक पद का मान निकलेगा, वो जो मान निकलेगा समीकरण 3 में रख देंगे तो आपका पूरा x और y दोनों मान क्लियरली निकल जाएंगे। आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग विलोपन विधि को सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।